Hello everyone, welcome to Apti Plus Editorial Analysis. So today we'll discuss the important editorial from the Hindu as well as from the Indian Express. So samajhne ki koshish karenge jo editorial hai wo aap apne prelims aur mains examination mein kaise use kar payenge. So before I begin, I would also like to tell you that I'll be discussing some of the important MCQs with you. So ek MCQs mein bhi aap se discuss karunga jo ki current event, static portion aur previous year ke questions honge. So this will help the aspirants for civil services 2020. To ek tarah se aapka yahan pe प्रैक्टिस होगा जो आप रियल एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्पफुल करेगी. आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव यूपीएससी एसी राइटिंग चैलेंज ऑन एवरी संडे. यू कैन पार्टिसिपेट ऑन द एसी राइटिंग एंड द बेस्ट एसी वुड बी अवॉर्डेड विद 1000 rupees इन कैश. एंड वी हैव प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज जहाँ पे आप अपने आपको इनरोल कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से. 70 टेस्ट है टोटल, एक कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज है. मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से ज़्यादा डिटेल्स चेक कर सकते हो. So this is the editorial list for today. Today is 26th of November and the in-depth analysis would be in preventing political coalition for the inconvenience. ठीक है, for the convenience basically. और ये मैंने लिया हुआ है newspaper से. ठीक है, this is from the Hindu and these are the other list of topics from the Hindu and the Indian Express that we'll also discussing with you. कुछ important points जानने की समझने की कोशिश करेंगे exam point of view से. So first, let's start with the in-depth analysis, that is preventing political coalition for the convenience. It basically talks about, you know, the recent coalition, political parties, the horse trading, the anti-defection law, everything is discussed. So we look into the point from the exam point of view. So samajhne ki koshish karte hain ki kya kya zarurat hai is editorial mein, theek hai? Aur aap is editorial ke kuch points ko apne mains examination mein kaise write up kar sakte ho. So political coalition in India, basically political coalition in India के बारे में it's an important topic for general studies paper 2 के लिए काफ़ी important है, as well as it can also come in the general studies paper 3. और इस तरह के सवाल आप केस स्टडी में भी आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आपको कोई अथॉरिटी बना करके उस सवाल पूछा जा सकते हैं. अगर आप स्पीकर हैं या फिर आप एक रेगुलेटरी बॉडी में हैं तो आप किस तरह के डिसीजन को लेंगे, राइट? सो द फर्स्ट न्यूज़ दैट हैज़ कम इन टू द बिकॉज हुआ क्या अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में जो बीजेपी है द भारतीय जनता पार्टी हैज़ फाइनली डिसाइडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ एनसीपी. वहाँ की जो लोकल पार्टी है बेसिकली नेशनल कांग्रेस पार्टी है दैट इज़ लेड बाय अजीत पवार. तो उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. सो इसके अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाएँ, इसके अलग ही बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, बट एट द सेम टाइम अ कम्प्रीहेंसिव पिक्चर इज़ नॉट क्लियर कि जो फ्लोर टेस्ट होगा अभी उसमें किसकी सरकार बनेगी. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द वंस यू हैव द मेजोरिटी यू नीड टू हैव द फ्लोर टेस्ट. ठीक है, गवर्नर के पास जा करके आपको फ्लोर टेस्ट करना होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लोर टेस्ट, राइट इन द शॉर्ट लाइक FT. ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज ही जजमेंट दिया वेयर दे हैव आस्क्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू कंडक्ट अ फ्लोर सेट ऑन 27th of November. तो कल होगा, आप ये एडिटोरियल आज सुन रहे हैं, टुडे इज 26th, तो कल ये फ्लोर टेस्ट किया जाएगा. ओके, एंड द टेस्ट विल डिटरमाइन कि जो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने दावा पेश किया है देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनके पास प्रॉपर मेजोरिटी है कि नहीं टू फॉर्म द गवर्नमेंट. लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके वो ही विल कमांड द मेजोरिटी फॉर द MLAs. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और इसमें प्रिलिम्स के भी कई सवाल बनते हैं, एंटी डिफेक्शन का क्वेश्चंस बनता है, एट द सेम टाइम मेंस में एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ कोलिशन गवर्नमेंट, आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कोलिशन गवर्नमेंट आखिर होती क्या है. देखो किसी चीज़ के टर्म्स को ना डिफिनेशन में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कई बार चीज़ों को जानते हो आप एग्जाम में लिख नहीं पाते हो वर्ड्स में. ठीक है, तो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग ऑल द बेसिक्स थिंग्स ऑल्सो इन टू द अकाउंट सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन. तो कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है इट्स अ गवर्नमेंट वेर वन पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ एक या मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं कम टुगेदर टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ द अदर पार्टीज. ठीक है, या फिर जो ज़्यादा नंबर जो हाइस्ट नंबर मान लो एक सिंगल पार्टी है उसमें उसके पास मान लो एक्स नंबर ऑफ वोट है और जो छोटे दो तीन पार्टी मिल करके इसको एक्स स्क्वायर या 2x कर सकते हैं. सो दीज आर द कोलिशन गवर्नमेंट, राइट? तो दे हैव रिड्यूस द नंबर, इसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया इस चीज़ को, राइट? नाउ कुछ कहते हैं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है दैट जनरेट एन इंक्लूसिव पॉलिसी फॉर मोर इंक्लूसिव पॉलिसी एंड दे बिलीव दैट द कोलिशन इम्पोज कंस्ट्रेंट्स ऑन द पॉलिसी मेकिंग. देखो इसके अपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है अपने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बट आपको जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हो तो यू नीड टू गिव एन न्यूट्रल व्यू. ओके, आपको एक न्यूट्रल अप्रोच रखना है एंड यू हैव टू टेल द प्रोज एज वेल एज कॉन्स ऑफ दैट. फाइन, मूविंग अहेड,
जो फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट थी दैट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फुल टाइम, अगर मैं बात करूँ जो फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट थी दैट वाज ड्यूरिंग द अटल बिहारी वाजपेयी लेड गवर्नमेंट, एनडीए की जो गवर्नमेंट बनी थी, सो दैट वाज द फुल टर्म, उन्होंने फुल टर्म पूरी कंप्लीट की थी फ्रॉम 1999 टू 2004, ठीक है. सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल विच यू कैन राइट. मूविंग अहेड, एंटी डिफेक्शन लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्सट में, बिकॉज आपको पता है जो 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इट्स ऑलरेडी एंटी डिफेक्शन के बारे में. तो सुप्रीम कोर्ट ने खिलिहातो हुलान और जज हिलू के केस में एक्सप्लेन किया था द इंटेंशन बिहाइंड द एंटी डिफेक्शन लॉ. तो मैं इसको पूरा पढ़ के आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ सीक्स टू रिकॉग्नाइज द प्रैक्टिकल नीड टू प्लेस द प्रायोरिटीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पर्सनल कंडक्ट, कि भाई आपकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ है वो क्या है और जो पर्सनल कंडक्ट है वो क्या है. तो दोनों में एक डिफ्रेंशिएट रखने की कोशिश की गई है थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ. और इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट अनलेस इन द केस ऑफ कोएलिशन आर कवर्ड द लीगल स्कीम ऑफ एंटी डिफेक्शन एंड द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्पस ऑफ द टेंटेशन वुड नॉट बी अकम्प्लिश्ड, ठीक है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि देर शुड बी अ थिन लाइन, देर शुड बी अ डिफरेंस द प्रायोरिटीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पर्सनल कंडक्ट अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. नाउ मूविंग अहेड, ट्रीटिंग कोलिशन एज अ यूनिट. देखो होता क्या है, जो पूरी जो कोलिशन है उसको आप एक यूनिट की तरह भी ले सकते हो, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. सो फर्स्ट, जो मल्टी पार्टी जो पार्लियामेंट्री है हमारे पास, जो अरेंजमेंट है इंडियन डेमोक्रेसी की, तो कोएलिशन हैज़ बिकम वन ऑफ द इनएविटेबल एबिलिटी, ठीक है. एक रियलिटी बन के उभर के आई है क्योंकि इस तरह से सरकारें बननी है, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, फ्रॉम स्टेट टू द सेंटर द कोएलिशन इज वर्किंग वेल एंड फाइन, राइट. एंड द पार्टनर्स डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट ईच अदर. आप कई कई पार्टी में देखते हो कि जैसे मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल बताऊँ यूपी के बारे में, अभी आपने यूपी का जो स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी एज वेल एज बहुजन समाज पार्टी, ये लोग जो ऑलरेडी ओके बहुजन समाज पार्टी एलराइट बीएसपी ओके बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों मिलके दे हैव फॉट द अगेंस्ट एनडीए, उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट फॉट किया था, ठीक है. तो दे वर अपोजिटर, अब ये उससे पहले अपोजिशन में थे, दोनों की अलग अलग सरकार बन चुकी है एंड दे वर अगेन नो नॉट वेरी फ्रेंडली विथ ईच अदर, ठीक है. एक तरह से राइवल थे एक दूसरे के, बट अगेन जब कोएलिशन की बात आई तो उन्होंने मिलकर लड़ने का कोशिश किया था, बट अगेन दे हैव नॉट गेट अ पार, दे हैव नॉट गेट द वोटेड सपोर्ट ऑफ द पीपल, तो बीजेपी हैज अल्टीमेटली वॉन द इलेक्शन. तो इस तरह से कोएलिशन गवर्नमेंट हैज बिकम द रियलिटी इन इंडिया एंड देयर कैडर द वॉलंटरी वर्क ऑफ द कोएलिशन हैव नॉट जस्ट द इंडिविजुअल पार्टीज, ये भी है जो वॉलंटियर वर्कर्स है वो प्रीफर टू वर्क इन द कोएलिशन एंड नॉट जस्ट द इंडिविजुअल पार्टीज, राइट. नाउ मूविंग अहेड, कुछ रिफॉर्म सजेस्ट की गई है लॉ कमीशन की तरफ से. सो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो 170 लॉ कमीशन के जो रिफॉर्म की जो जस्ट पॉइंट है, जो कंक्लूजन है, वो भी आप पढ़ सकते हो, बट वो काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ. जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 170 रिपोर्ट में कहा था कि जो प्री इलेक्शन फंड है या जो कोएलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में अपने एक ओपिनियन दी थी, ठीक है. आप चाहो तो इसके कंक्लूजन या इंपॉर्टेंट नोट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो. एंड दे प्रीफर दैट द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ट्रीटेड नो द पार्टी शुड बी ट्रीटेड एज द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ एंटी डिफेक्शन, ठीक है. तो एंटी डिफेक्शन के कंटेक्स में जो अपने 10th शेड्यूल में मेंशन है उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, लॉ कमीशन ने. उसके बाद कुछ नोटेड बी आर अम्बेडकर की स्पीच है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट डेफिनेटली यू कैन कोट इन द एग्जामिनेशन. तो बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था कि द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिपेंड, माइंड द वर्ड्स, डज नॉट डिपेंड्स होली अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोवाइडेड विद द ऑर्गन ऑफ द स्टेट. ऑर्गन ऑफ द स्टेट का मतलब है जो कि चीफ मिनिस्टर है, जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ की, जो ऑल ओवर वर्किंग है स्टेट के बारे में, सो दैट इज द ऑर्गन ऑफ द स्टेट. सो द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द स्टेट डिपेंड्स अपॉन द पीपल, पहला, फर्स्ट वुड बी पीपल, ओके, सेकेंड वुड बी द पॉलिटिकल पार्टीज, सेकेंड इज द पॉलिटिकल पार्टीज, आई नो, एंड हाउ दे सेट अप देयर इंस्ट्रूमेंट टू कैरी आउट द वर्क एंड विशेज अकॉर्डिंग टू देयर द प्रायोरिटीज एंड द जो वादे किए गए हैं उसके हिसाब से चीज़ों को वो कैसे अमल करते हैं, ये भी काफ़ी अहम हो जाता है, ओके, द विश ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, फाइन. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, फाइन. नाउ मूविंग अहेड,
डिमीनिंग ऑफ द वोटर्स काफ़ी देखा गया है रिसेंट में. अभी जैसे अगर मैं महाराष्ट्र इलेक्शन की बात करूँ तो डिमीनिंग मतलब होता है, डिमीनिंग का मतलब होता है इंसल्टिंग टू द वोटर्स, नो इंसल्ट. तो वोटर्स का जो बेसिकली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, वो एजेंडा जो होता है, वो बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को विश्वास करते हैं. दे डू नॉट ट्रस्ट अ पर्सन और थिंग, दे बेसिकली ट्रस्ट टू द पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल ऑफ द पार्टी. एंड डेमोक्रेसी इज समथिंग विच मेक चॉइसेस, और चॉइसेस कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड चॉइस. ठीक है, तो विथ ऑल द कॉन्शियस वोट शुड बी गिवन. तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, एक तरह से मैनवरिंग किया है, जो महाराष्ट्र में भी जो रिसेंट इलेक्शन हुई है, जो एस्पिरेशन ऑफ द स्टेट पीपल थे उनका काफ़ी हद तक दे हैव बीन डिसरिस्पेक्ट फॉर द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, बिकॉज देर इज अ ट्रस्ट विच इज अटैच्ड विद एनी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पार्टीज. सो इस तरह से यू नो द पार्टी, द पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट बी बिहेविंग इन सच अ मैनर. देर शुड ऑलवेज अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द लॉ. And at the same time, that should always uphold the trust of the people of the state. Okay? Now, moving ahead, what lies ahead? See, political parties ke baare mein agar main bataun, toh political party must have function to strengthen and the share jo beliefs hai, basically, jo beauty of law hai, jo beauty of basically the working of the constitution, ya main baat karun, jab jo beauty of the governance ki baat karun, toh that should be strengthened with all its belief. And a legal framework should be there, agar post alliances banti hai, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, तो उसके लिए कुछ एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, कुछ एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए जहाँ पे उस हदों को पार नहीं किया जा सकता है. राइट, सो दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो इस आपका ये वे हेड में आप इंक्लूड कर सकते हो. अगेन, द डेमोक्रेसी कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड मियरिंग ऑन कास्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी मोर टूवर्ड्स द वोटर एंड इलेक्टोरेट दैट मैंडेट हैज बीन गिवन टू देम. उनको ये पता होना चाहिए कि जो वोट उनको दिए गए हैं, दैट इज टू परफॉर्म. ओके, that is for to performance of the citizen, और state में एक welfare state promote करने की कोशिश की जानी चाहिए. so that is a sole criteria a voter has given a vote to the party. ठीक है, so this would be the important way ahead which you can write. now moving ahead with some of the important other editorial of the Hindu, that is India enduring document of the governance, helping 10 odds of the read by 2020 and what we are doing with a deep humiliation. So these are the editorial which I'll be discussing with you. This is the topic that I have already dealt in the in-depth analysis, that is preventing the coalition of the political parties. Now this is not that important, so I'll be not discussing this one. Now moving ahead, enduring the Indian document of the governance. See, it talks about the constitution durability. So a question can be asked on the general studies paper 2 with regards to the constitutional durability. So see, I think this is a very important topic when it's come to the constitution durability. तो इस पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि है क्या. देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूरेबिलिटी, जब पिछले जब इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. तो उस तरह से जब इंसेप्शन जो फर्स्ट में हुई थी वे बैक जब 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंसेप्टेड इन 1950, तो उस टाइम पे एवरी वन वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, इट विल बी सो रिगरस, इट विल बी नो इट्स अ डॉक्यूमेंट विच वुड बी प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूरेबिलिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरेबिलिटी के कंसर्न में चीज़ों को बताई गई है एंड एक प्रीमैच्योर एनालिसिस है, इसको आप पढ़ सकते हो, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम एक्सपैंडिंग इंडिया स्टेबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू फील नो आई फील कैन बी रिटन इन द एग्जामिनेशन. तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सवाल पे आपसे एनालिटिकल व्यू पूछे जा सकते हैं. राइट, तो आप एक एनालिटिकल ओपिनियन इस पर जनरेट करना एंड यू जस्ट राइट इन द एग्जामिनेशन की जो की फाइंडिंग्स हैं. ओके, जो कुछ प्रीवियस फाइंडिंग्स दी गई है वो आप इसमें ज़रूर लिख सकते हो. एंड एट द सेम टाइम यू कैन प्रेस द नो द रूल ऑफ द लॉ दैट इज बीइंग फॉलोड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द नो एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ द गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे दैट इज़ वेरी डोमिनेंस. तो वो सारी चीज़ें that is what has been discussed in this editorial. Now moving ahead, what wrong deep with the humiliation? देखो, ये मैंने सिर्फ इस वजह से लिया क्योंकि बेसिकली ये आपके केस स्टडी में भी हेल्प करेगी ये टॉपिक. ठीक है, केस स्टडी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है. एट द सेम टाइम इट कैन कम ऑन द जनरल स्टडीज पेपर 1. बेसिकली टॉक्स अबाउट द ह्यूमिलेशन. देखो, जो अलग ग्रुप्स हैं, द माइनॉरिटी ग्रुप्स, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द दलित्स,
तो उसके बारे में डिस्कस है यहाँ पे कि हाउ वी शुड टेक नो वी शुड नॉट इम्पैक्ट द एनी ऑफ द रिलीजियस एनी ऑफ द ग्रुप एनी ऑफ द एथनिक ग्रुप और उसकी ह्यूमिलेशन को किस तरह से अवॉइड किया जा सके. देर नीड टू बी अ ट्रीटमेंट इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस तरह से बहुत लोग क्या है एक विलफुल ह्यूमिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. बहुत सारी ऐसी केसेस देखी गई है जहाँ पे नो माइनॉरिटीज़ या फिर जो दलित्स हैं या फिर जो पिछड़े लोग हैं दे आर नॉट बीन टेकिंग इनटू द मेन स्ट्रीम. तो दे हैव नो देयर इज अ विलफुल ह्यूमिलेशन फ्रॉम दैट पार्ट. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम जो सोसाइटी इंडियन सोसाइटी से जो सवाल पूछे जा सकते हैं उस पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है. राइट नाउ मूविंग अहेड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन के अंदर ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि हेल्पिंग 10 ईयर ओल्ड टू रीच 20. देखो बेसिकली इसमें बताई गई है जो स्कूल का जो एक्सेस है दैट हैज़ इंक्रीज्ड. पिछले टाइम से अगर हम देखें तो स्कूल की जो एक्सेस है दैट हैज़ इंक्रीज्ड अलॉट. जो जो दस जो बच्चों की जो 10th ईयर की जो एज होती है ओके जब वो अपने 10वें साल पे पहुँचते हैं तो इट इज़ अ एज वेयर दे गेट माइंड टू एक्सप्लोर. देखो जब वैन इट इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर ऑफ द क्लासेस नो इस क्लास में वो होते हैं जब वैन दे आर 10 ईयर नो जब वो 10वें साल पे होते हैं. तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम वेयर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके तो हमने अप्रोच हमने जो हमने जो अपना दायरा है वो तो वाइड कर लिया है ओके बट एट द सेम टाइम क्वालिटी नीड टू बी इंक्रीज. क्वालिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है. तो इस एडिटोरियल में बात ये कही गई है जो हमारा जो बेसिकली जो स्किल डेवलपमेंट की बात है या जो MDG के जो टारगेट्स हैं जो मिलियन डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं उसको कैसे फुलफिल किया जाए एंड एट द सेम टाइम वी कैन ओवरकम द चैलेंज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन. ठीक है अभी भी फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया वी नीड टू इंक्रीज नो the expansion of the quality education that is very important. So this is what that is being dealt in this editorial. Now moving ahead Indian Express के पेज में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो यहाँ मैं आपसे महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल के बारे में जो एडिटोरियल है वो आपसे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन डेप्थ एनालिसिस लिया हुआ है. ये शौकत आजमी के बारे में डिस्कशन है सो दिस वुड बी ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज UPSC इस तरह से पर्सनैलिटी पे सवाल कभी भी पूछती नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हो. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ द सिटीजन ड्यूटीज रशिया रिटर्निंग टू इंडियन ओशन एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक. तो ये तीनों को देखने की कोशिश करेंगे. तो पहले द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक इसको रविशंकर प्रसाद ने लिखा है. ही इज़ अ यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड द एंटायर एडिटोरियल कंसर्न्स अबाउट नो द राइट्स द एस एंड द फंडामेंटल राइट्स दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द सिटीजन एंड अ सिटीजन ड्यूटीज टूवर्ड्स इट. ठीक है तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उस पर सिटीजन की रोल. देखो ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द रिसेंट टाइम जो फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड इशूज टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहे भी हैं तो आपसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं. तो दे कैन आस्क यू कि वॉट शुड बी द एग्जैक्ट अगर आर्टिकल 19 की बात की जाए ओके आर्टिकल 19 या फिर जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप नो एज एन सिटीजन योर ड्यूटी शुड बी टू टेक केयर ऑफ योर फंडामेंटल ड्यूटी नो दैट इज बिंग asked from the constitution of India. हमारी कुछ अपनी responsibility है towards our nation, ठीक है towards our democracy. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर discuss हैं and already मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के सवाल आपसे analytical point of view से ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं. ठीक है and the important aspects of this editorial talks about the citizen duty that would be summarized. अगर गांधी जी की views की बात करें so the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. तो इस तरह के जो टाइटल्स यहाँ पे दिए हुए हैं ठीक है तो आप ये ज़रूर लिखना. दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन विच विल हेल्प यू टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स. राइट नाउ मूविंग है इंडिया रश रिटर्न टू द इंडियन ओशन. जैसे कि टाइटल से ही काफ़ी चीज़ें पता चल रही है ये बायलैटरल रीजनल एंगेजमेंट में ये जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में इंपॉर्टेंट हो सकती है. रशिया का जिस तरह से नो रशिया हैज़ टेकन अ पेस इनटू द इंडियन ओशन एंड द ट्राइलैटरल हैज़ नो जनरेटेड फ्रॉम इफ आई कॉल इंडिया दिस इज चाइना एंड दिस इज रशिया. ठीक है तो दिस इज इंडियन ओशन दिस इज इंडियन ओशन. तो द डोमिनेंस इट इज बिकमिंग अ ट्राइलैटरल. अभी हमन बोटा जो प्रोजेक्ट है दैट इज देयर तो उसमें भी नो रशिया हैज टेकन अ ड्यू इम्पॉर्टेंस. तो रशिया का जो डोमिनेंस है इंडियन ओशन में दैट इज इंक्रीजिंग डिस्पाइट द फैक्ट चाइना भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है. तो इंडिया को नो टेकिंग ऑल द स्टेक्स टेकिंग इट्स ड्यूरेबिलिटी इंडिया नीड टू ओवरकम द सिचुएशन
एंड एट द सेम टाइम रीजनल इंटीग्रिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं सी राजा मोहन ने लिखा है, इनके एडिटोरियल काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हो। नाउ मूविंग अहेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेक्स, सी दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। दिस इज रिटन बाय डी राजा। डी राजा इज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो इट टॉक्स अबाउट, देखो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर रही है, जो आर्टिकल वन दैट स्टेट्स डिस्क्राइब द यूनियन ऑफ द स्टेट। ओके, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यूनियन ऑफ द स्टेट एंड द सेम टाइम आर्टिकल 5। ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस एडिटोरियल में, दैट डील्स विद द सिटीजनशिप इन टू द इफेक्ट एंड डील्स विद द रिफ्यूजी क्राइसिस इन पंजाब एंड बंगाल। सो these are the important point that has been discussed. So freedom to protest in the ideal way, in a democratic way, in a secular way, it is very important. Dekho, hame fundamental right diya gaya hai for the speech and expression. For the speech and expression. So ye bahut hi important hai. It should not be curtailed. Okay? So we have been provided with the, these rights have been provided in the constitution of India. तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अगेन एट द एंड दिस हैज़ बीन टॉक्ड लाइक कि हाउ बी आर अम्बेडकर हैज़ टॉक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एंड ही कॉशन दैट इट इज़ परफेक्टली दैट द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट चेंजिंग द फॉर्म वर मियरली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट विल मेक इनकंसिस्टेंट विद नो द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस है ऑलरेडी, जो मोस्टली एडिटोरियल आज के दिन में है दैट डील्स विद द इंडियन पॉलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशन जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए काफ़ी चीज़ें आज इंपॉर्टेंट है। राइट, आगे बढ़ते हैं एंड आई विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर फ्रॉम द इंडियन कल्चर, दिस वुड बी ए स्टैटिक पोर्शन। आपको मुझे बताना है कि जो ठुमरी म्यूजिक है उसके क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। ठुमरी इज अ वेरी यू नो लिरिकल एंड स्ट्रक्चरल इन प्रेजेंटेशन। ठुमरी म्यूजिक इज क्लोज टू कोऑर्डिनेटेड विद द म्यूजिकल रेंडिशन एंड ठुमरी म्यूजिक इज मोस्टली मिथोलॉजिकल इन नेचर। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली, आपको मुझे बताना, ओनली वन इज करेक्ट। This would be, you know, which among the following pair is correct, right? Only correct, not matched. So only 2 and 3, 1 and 3 or 1, 2 or 3. So this is a tricky one. UPSC tend to ask the question on the folk music as well. So aap iski practice karo. Jo iske jo correct answer hai, wo mujhe comment section mein batao. Uske alawa koi bhi aapko problem hai, to you can write in the comment section. To agar aapko kuch bhi aur advice chahiye, koi bhi exams related queries chahiye, to wo aap hame comment section mein pooch sakte hain. We'll be more than happy to assist you. Right, and at the same time the second question that is a PYQ, ये Indian polity से हैं जो कि UPSC ने 2015 में ये सवाल पूछे हुए हैं कि constitution government का मतलब क्या होता है, place effective restriction on the individual liberty on the interest of the state authority। उसके बाद second statement, place effective restriction on the authority of the state in the interest of the individual liberty, fine। तो दोनों statement आप बहुत ही ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि correct answer क्या, only one and two, both one and two or neither of them, okay? So which among them is the correct answer? So do participate, write the correct answer in the comment section of this video, and do not forget to like our YouTube channel, that is Apti Plus, and do not forget to like this video as well. We have Apti Plus official Telegram channel as well, where you can get the important notifications, all the important news related to the examination can be there as a notification. So aap isko bhi channel ko bhi subscribe kar sakte hain. And I sincerely thank you for listening to this video. If you have any other concern, do write to us in the comment section or mail us. Okay, whatever you feel is comfortable, it would be better that you write your concern in the comment section of this video. Okay, and I sincerely thank you for listening to this video. We'll meet in the next video with some of the important aspects from the examination point of view. Thank you so much for listening.